बिसम लुम एक दफ़ा अली रज़ल तैन रसूल सल्ला वसलम की ख़िदमत में पेश होने जा रहे थे कि रास्ते में उनकी नज़र अली रज़ील तैन की नज़र एक शख़्स पर पड़ी जो मुसलसल रोए जा रहा था हज़रतली रज़िला तैन शेर ख़ुदा ने उस बंदे से रोने का सबब पूछा तो उसने बताया कि मैं बहुत ही बड़ा गुनाह कर बैठा हूँ मुझे अल्लाह ताला के अजाब से डर लगता है मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं आप हुजूर सल्लल्लाहु करूँ वसल्लम की सदमत में मेरी माफ़ी की सिफारिश फरमा दें अली शेर ख़ुदा ताला ने उस शख़्स को साथ लेकर हज़रत मोहम्मद सल अल्ला वसल्लम की बारगाह में पेश हुए जब हज़रतली रज़ील् तैन हजूर अकदर सल्ला वसलम के सामने गए तो हज़रत अली रो कतार रो रहे थे हुजूर हज़र अक्रम सल्ला वसम ने दरियात फ़रमाया ए आप क्यों रो रहे हो हज़रतली शेर खुदा रज़ील तैन ने फ़रमाया कि ए के नबी सल्लल्लाहु सल वसलम आप आपके पास ही आ रहा था कि रास्ते में एक शख़्स को बहुत ही ज़्यादा रोता हुआ देखा तो उसकी हालत देख कर मुझे भी रोना आ गया हज़रत मोहम्मद सल्ला वसलम ने पूछा वो शख्स कहाँ है आप रसिल्ल तैन ने आर्ज़ किया या रसोल्ला सल्ला वसलम वो शख्स बाहर खड़ा है हजूर अक्रम सम ने उस शख्स को अंदर आने की इजाज़त दी तो वो बंदा आप सल्ह वसम के सामने पेश होकर इतना रोया इतना रोया कि रसोल्ला सल असलम ने उस बन्दे से पूछा ये नौजवान क्या हुआ है इतना क्यों रो रहे हो उसने जवाब दिया या रसूल अल्लाह मुझसे बहुत ही बड़ा गुनाह हो गया है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मुझे ये बताओ कि तेरा गुनाह बड़ा है, गुना है कि अल्लाह ताला की रहमत बड़ी है उस बंदे ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा गुनाह बड़ा है फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तेरा गुनाह बड़ा है कि खुदा की कुदरत बड़ी है उसने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल् रागुना बड़ा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि क्या तूने शिर्क का अरतिक किया है बंदे ने अर्ज़ किया या अलैहि वसल्लम मैंने शिर्क का अरतक नहीं किया हुजूर अकरम वसल्लम ने फरमाया कि क्या तूने शिर्क का अरतक किया है बंदे ने अर्ज़ किया या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने शिर्क का अरतक नहीं किया हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया क्या कि तूने किसी बंदे को क़त्ल किया है उसने कहा कि ए अल्लाह के नबी मैंने किसी को भी कत्ल नहीं किया। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुमने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जिसकी वजह से तुम इतना ज़्यादा रो रहे हो फिर उस शख़्स ने अपना सारा किस्सा सुनाया उसने कहा या अलैहि वसल्लम वम कई सालों से कफन चोरी कर रहा हूँ मैं मुर्दों के कफ़न चोरी करके उनको फ़रोख्त किया करता था उससे जो आमदनी होती थी उसे अपना पेट पालता था कहने लगा कि कुछ दिन पहले एक लड़की दफ़न की गई मैंने अपनी आदत के मुताबिक उसका कफ़न उतारा और वहाँ से जाने लगा तो मुझ पर शैतान गालिब आ गया उसने मेरी नीयत बदल दी मैंने उस लड़की के साथ जिन्हा किया जब मैं जिन्ह करके उठने लगा तो मैंने एक आवाज़ सुनी कि जैसे वो लड़की बोल रही है ए बदबख्त बंदे तूने मुझे मर्दों के दरमियान नंगा किया तो कल कयामत के दिन बदकारों और जानियों में तेरा शुमार होगा अल्लाह तुझे तो भी सबके सामने नंगा करेगा वो शख्स कहने लगा कि उस लड़की की आवाज़ का मुझ पर ऐसा असर हुआ है कि मुझे अब अपने आप पर अल्लाह का गज़ब महसूस होता है मैं खुदा की पकड़ में हूँ जब रसूल सल वसल्लम ने उस शख्स का सारा किस्सा सुना तो हुजूर अकरम सल अल्लाह वसम की भी आंखें नम हो गई हुजूर अकरम सल अल्लाह वसलम ने फरमात तूने वाकई बहुत ही बड़ा गुनाह किया है नबी करीम सल अल्ला वम की ज़बान मुबारक से जब ये अल्फाज निकले कि ये बहुत ही बड़ा गुनाह है तो वह शख्स रोता हुआ बाहर निकल गया उसने सोचा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त बहुत ही नाराज़ हैं ऐसा ना हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो मेरी बर्बादी का मज़ीद सबब बन जाए वहाँ से निकल कर शख्स जंगल और पहाड़ों की तरफ़ चला गया वो शख़्स कई रोज़ तक अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहा और अल्लाह ताला से रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहा उसको हर वक्त वो आवाज़ सुनाई देती थी वो हर वक्त अल्लाह ताला से दुआएं मांगता रहा जब वो शख्स कई रोज़ माफ़ी मांगता रहा तो खुदा ने उस बंदे की तोबा कबूल फ़रमाई अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जब्राहली हजूर अक्रम सल्ला वसलम के पास तशरीफ़ लाए और सलाम पेश कियात जब्राही सलमाम ने फरमायाल्ला के रसूल सल्लल्लाहु सल अल्लाह ने फरमाया है कि मखलूक़ को पैदा करने वाला रिस्क देने वाला और अपनी मखलूक़ को माफ़ करने वाला भी मैं ही हूँ तो हजरत सलाम ने फ़रमाया कि ने फरमाया कि मैंने उस नौजवान की तो बबूल फरमा ली है मैंने उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है फिर अल्लाह के रसूल सल अल्लाह वसलम ने एक सहाबी को उस शख़्स के पास भेजा के उस शख्स के पास जाकर उसको ये बताओ कि अल्लाह ताला ने तेरी तोबा कबूल फरमा ली है अल्लाह ताला ने तेरे सब गुनाहों को माफ़ कर दिया है मज़ीदी मालूमी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले